पर मैं वो मैंने जो लोहड़ी में आई मेकअप करा था उसके बारे में बता रही हूँ। ये मेरी निक्का की पैलेट है जो मैंने नायका से परचेज़ की थी। वहाँ से मैं अपना क्रीज लाइन के लिए पिंक और पिंक लाइट पिंक पर्पल उठाऊंगी कलर। जैसे कि आप देख रहे हैं मैंने पिंक कलर उठाया है। इस पैलेट का किसी को लिंक चाहिए तो वो भी मैं दे दूँगी। यहाँ क्रीज लाइन बनाते हुए मैं क्रीज क्लियर करूँ। मैं पहले फेस को प्राइम करा था, आईज को प्राइम करा था, अच्छे से कलर की अपने ड्रेस में क्रीज लाइन ले लें, फिर उससे डार्क शेड ले लें। पहले आप शेड बाहर उसके अंदर एक डार्क शेड ले लें। जैसे कि आप सुबह कर लीजिए एक क्रीज लाइन क्रिएट करनी। मैंने सोचा कि लोहड़ी में जो मेकअप था आई मेकअप में उसको शेयर करूँ। थोड़ा सा हैवी है, आप किसी अच्छे फंक्शन मैरिज के लिए यूज़ कर सकते हैं। इसके अंदर मैं ग्लिटर भी यूज़ करें। वैसे ही दूसरे करेंगे क्रीज लाइन डेवलप कर लेंगे, फिर उसे थोड़ा सा डार्क कलर अंदर फिल कर देंगे हम उसके, और उसको ब्लेंड करेंगे। अच्छे से ब्लेंड कर लीजिए आप अपने फ्लफी ब्रश से या फिर जो भी आपके पास ब्रश अवेलेबल है उससे ब्लेंड करते हुए हम पूरी आईज़ कवर कर लेंगे। इसमें सिर्फ मैं आई मेकअप ही आपको दिखा रही हूँ। बेस तो अपने अकॉर्डिंग हर कोई अपने अकॉर्डिंग कर लेता है। अगर बेस का भी किसी को नीड है तो मेरी फुल वीडियो आप यूट्यूब पे जाके देख सकते हैं। इस मेकअप की फुल वीडियो मैंने दे रखी है, लोडी मेकअप से है मेरे चैनल पे। अब मैंने ये क्रीज लाइन और उससे थोड़ा सा डार्क शेड अब मैं उठाने जाऊंगी। ये फ्लफी ब्रश है पैक का 230 फ्लफी ब्रश, उससे मैं लाइन ब्लेंड कर रही हूँ। जो भी आईज पे लाइन है वो अच्छे से ब्लेंड कर लीजिए ताकि कोई क्रीज दिखे ना। ये अच्छे से ब्लेंड कर रही हूँ मैं इसको वॉइस ओवर इसलिए कर रही हूँ क्योंकि रूम में मेरे साथ मेरी बेटी भी थी तो काफ़ी वॉइस की प्रॉब्लम आ रही थी, तो मैंने सोचा इसको वॉइस ओवर कर दूँ। अब इसे डार्क शेड उठा के हम लोग अंदर एक क्रीज लाइन डेवलप करेंगे। थोड़ा सा डार्क शेड उठा के आप अंदर क्रीज लाइन एंड ऑफ वी बना दीजिए। एंड ऑफ वी बना के उसको थोड़ा सा ड्रैग कर दीजिए फ्रंट की तरफ। ड्रैग कर रही हूँ मैं दोनों आईज में। मैंने इस वीडियो को बिल्कुल नॉर्मल स्पीड में रखा है, कुछ भी मैंने स्पीड बढ़ाई नहीं है। इस कलर को मैं ब्लेंड कर रही हूँ। उसके बाद मैं थोड़ा इसके अंदर शिमर ऐड करूँगी बेस डाल के, वो भी आप देख लीजिए। इसको ब्लेंड कर दीजिए अच्छी तरीके से, डार्क शेड को ब्लेंड 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 हो गया ये। थोड़ा कलर मैं आईज में भी फिल कर रही हूँ आगे की तरफ क्योंकि उसके बाद हम इसमें ग्लिटर ऐड करेंगे। अब इसके अंदर हम कोई भी स्पूली से पहले आप आई ब्रोस फिल कर लीजिए, कलर फिल कर लीजिए अच्छे से। आईब्रो फिल कर लीजिए अपने आप जैसे शेड से करते हैं। यहाँ मैं थोड़ी डार्क रखने वाली हूँ क्योंकि मैं पूरा लुक कर रही थी लोहड़ी का। मेरा सूट भी थोड़ा हैवी था तो मेकअप हैवी जाएगा। अगर आप नॉर्मल के लिए कर रहे हैं तो आप इसको फ्रंट से थोड़ा फिल कर लीजिएगा। अब इसके बाद आपके पास कोई भी कंसीलर या कोई भी बेस आप आगे फ्रंट ऑफ आईज में थोड़ा सा लगा के उसे थोड़ी सी स्पेस क्रिएट कर लीजिए क्योंकि पूरा कलर आगे तक फैल गया है। थोड़ा सा आप कंसीलर या बेस कोई भी यूज़ करके उसे फैला लीजिए। उसके ऊपर मैं गोल्डन ग्लिटर लगाऊंगी या मिक्स गोल्डन सिल्वर ग्लिटर। उससे पहले आप इसको अच्छे से ब्लेंड कर लीजिए जहाँ तक भी आपको ग्लिटर चाहिए, जितनी आईज में आपको चाहिए।
ये बहुत जल्दी करना होता है, जैसे कि मेरा कंसीलर सूख गया है, एक आईज पे हुआ नहीं, उस पर मैं फिर से ऐड करूँगी। आप ये गलती मत करना, पहले एक एक करके लगाने के बाद उसे ब्लेंड कर लेना, फिर दूसरी आईज पे फिल करना। अब मैं इसमें थोड़ा और कंसीलर ऐड करूँगी क्योंकि वो बिल्कुल ही सूख गया था, अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर रहा था। तो आप एक एक आईज पे लगा लीजिएगा तो इजी हो जाएगा, जो मेरे साथ हुआ एटलीस्ट आपके साथ ना हुए। मैंने NYBA का यूज़ करा है इसके अंदर कंसीलर, कंसीलर अब मैं थोड़ा और ऐड करूँगी साइज़ में क्योंकि मुझे कम स्पेस लग रहा था। ऊपर से थोड़ा सा ऐड करते हुए, ये हम स्पेस इसलिए बना रहे हैं क्योंकि हम ग्लिटर या फिर जो भी बेस में आई शेडो देंगे वो कलर के साथ मिक्स ना होए, क्योंकि आगे तक पिंक पर्पल कलर आ गया था, इस चक्कर में हम बेस से थोड़ी स्पेस क्रिएट कर रहे हैं। अब सबसे पहले मैंने यहाँ पर एक आई पे ग्लिटर लगाया है। मैं एक आई पर डायरेक्ट लगा के देख रही थी और एक आई पे मैंने गोल्डन सिल्वर सा आई शेडो लगाने के बाद लगाया है। आप ये गलती मत करना जो मैंने करी है, आप उससे मिलता जुलता जो भी ग्लिटर लगा रहे हैं पहले उससे मिलता जुलता आई शेडो लगा लीजिए, उसके ऊपर ग्लिटर ज़्यादा पॉपअप होगा। मेरे पास यहाँ क्रायलॉन का मल्टी ग्लिटर है जो मैं लगाने जा रही हूँ, आप अपना जो भी अवेलेबल ग्लिटर है यूज़ कर सकते हैं। ये क्रायलॉन का है मल्टी ग्लिटर, उसको मैं किसी और ब्रश से फिल करूँगी। मैंने एक आई में डायरेक्ट लगाया है पर अब मैं एक आई में थोड़ा सा पहले आई शेडो ऐड करूँगी, जो मैंने हाइलाइटिंग के लिए लिया था वो भी सिल्वर गोल्डन आई शेडो है, उसको भी मैं यहाँ यूज़ कर रही हूँ, नहीं तो आपके पैलेट में जो आपके पास अवेलेबल हो। पहले आप बेस में वो शेड लगा लें उसके बाद ग्लिटर ऐड करें। यहाँ पे मैं ग्लिटर ऐड करके देख रही हूँ पर मज़ा नहीं आया था, फिर मैंने आई शेडो लगाया दूसरी आईज पे। तो आप ये गलती ना करें, ट्राई एंड टेस्टेड जो मेरी गलती हुई है। अब मैं इसमें से हाइलाइटर का शीट या जो आपके पास अवेलेबल है मिलता जुलता कलर मैं उससे नीचे फिल करूँगी ताकि वो उठ कर आए। ये देखिए आप गोल्डन सिल्वर सा शेड है, ये मैंने नीचे फिल कराया, उसके बाद मैं ग्लिटर लगाऊँगी एक आई में। तो ये देखिए कितना वाइब्रेंट सा निकल के आया है आईज़। तो आप ये गलती मत दोहराना, पहले एक अच्छा सा आई शेडो लेकर उसे फिल करना, जो आपका पिगमेंट है उसी शेड का आई शेडो मिलता जुलता लेकर। अब मुझे तो इसी के ऊपर ही आई शेडो लगा के उसको कवर अप करना पड़ रहा है, उसको अच्छे से आप आई शेडो ब्लेंड कर लीजिए अपना। और जब हम ग्लिटर और आई शेडो कम्प्लीट कर लेंगे फ्रंट का, तो हमें जो इन दोनों के बीच में लाइन आ रही है उसे मर्जिंग ब्रश से या फिर फ्लफी ब्रश से मर्ज करना पड़ेगा ताकि वो अलग अलग ना लें। अब अच्छा सा मर्जिंग या फ्लफी ब्रश लेकर कलर के साथ आप बीच की लाइन मर्ज कर लीजिए। फिर अब इस आई लुक को कंप्लीट करते हुए, ये लोटस का काजल मैं यहाँ यूज़ कर रही हूँ, ये वाटरप्रूफ है और बहुत अच्छा काजल है। मेरी बहुत वाटरी आईज है उसके बावजूद ये
काजल कहीं नहीं जाता, मैंने हर ब्रांड का काजल यूज़ करा है पर मुझे अभी इससे रिजल्ट अच्छे किसी के मिले नहीं हैं। लोटस का ये मैं काजल फिल कर रही हूँ, उसके बाद अब काजल, लाइनर, मस्कारा देखकर आईज़ को कंप्लीट कर लीजिए। काजल लगाने के बाद, क्योंकि हमारी आईज़ ऑलरेडी थोड़ी हैवी लुक में चली गई है, तो इसके साथ अगर आप थोड़ा पतला लाइनर लगाएंगे तो ही अच्छा लगेगा। अगर आपको विंग लगाना है तो वो भी लगा सकते हैं। मैंने इसमें थोड़ा पतला और बिल्कुल कम लाइनर यूज़ करा है, क्योंकि आईज़ हमारी ऑलरेडी शार्प हो गई है। इसमें विंग अगर आपको चाहिए तो आप दे सकते हैं, मैंने नहीं दी। और इसमें मैंने